दोस्तों अगर मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कोई 70 से 80 शॉट डालकर अपने चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स कर सकता है, वो भी नॉर्मल वीडियो जो सब डाल रहे हैं ना कॉपी पेस्ट करके, वही वीडियो वो बंदा डाल रहा है और वो इतना ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर ले रहा है सिर्फ 70 से 80 वीडियोस के अंदर, आप यकीन करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे भाई, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने इस यूनिक चैनल को देखा जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और चैनल से भी ज्यादा यूनिक है इसका कॉन्टेंट, क्योंकि भाई इस कॉन्टेंट पर हजारों में लाखों में नहीं भाई मिलियंस में व्यूज आ रहा है। ऐसा कोई इसका वीडियो नहीं है जिस पर मिलियन से कम व्यूज हो, और भाई इसने अपने एक वीडियो से चैनल को मोनेटाइज किया है। जैसे कि आपको पता होगा आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए होता है लास्ट 90 डेज के अंदर, और उसकी एक एक वीडियो पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। जब मैं इस कंटेंट की इतनी ज्यादा बात कर रहा हूँ तो आपको बताता हूँ कौन सा कंटेंट है, एंड फिर इसके बाद हम इसका ट्यूटोरियल देखेंगे। दोस्तों इस चैनल का नाम है फेरोसियस फैक्ट, एंड देख सकते हो 76 वीडियोस में लगभग 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स होने वाला है। और शॉर्ट्स पर जाए तो यहाँ पर आप लोग देखिए लेटेस्ट शॉर्ट्स अपलोड किए गए उन पर 6 लाख और 45 हजार, इन पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी शॉर्ट्स देखिए 10 लाख, 36 लाख, 1 करोड़, 6 लाख, 1 करोड़, 3 लाख, 3 करोड़, 1 करोड़, 17 लाख, इस तरीके से देख सकते हो भाई मिलियंस में नहीं करोड़ों में तक व्यूज आया है। और बात करें इसके कंटेंट की तो ये सिंपल से क्या करता है भाई, मिक्स कंटेंट अपलोड करता है। आपको समझ नहीं आना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये बंदा यूज करता है चाइनीज एप्लीकेशन और कुछ यूट्यूब चैनल्स का, और उन पर से जो भी वीडियो इसको पसंद आ जाता है ये उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता है और अपने हिसाब से वॉइस ओवर करके उसको डाल देता है। और ये सब काम तो भाई सब कर रहा है, लेकिन इसने ऐसा अलग क्या किया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। खास बात है इसकी स्क्रिप्ट में, अब भाई मैं आपको लाइव स्क्रिप्ट लिखकर भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोग इसका एक वीडियो प्ले करके देखिए जिससे आपको आईडिया हो जाएगा हाँ ये वीडियो हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये बंदा एक असली निंजा है, क्योंकि वह अपने आसपास की किसी भी चीज को एक घातक हथियार में बदल सकता है। जरा गौर करो कैसे वह एक साधारण पत्ते को शुरिकेन में बदल देता है। उसकी फेंकने की तकनीक इतनी सटीक है कि हर बार निशाना सही लगता है, और वह उसके हाथों से सिर्फ पत्तों को ही नहीं बल्कि पक्षी के पंख को भी खतरनाक हथियार बना सकता है। तो देख लिया भाई आप लोगों ने वीडियो, ये यूनिक वीडियो हर कहीं नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस तरह की वीडियो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, पहले यूट्यूब पर ही एंड दूसरा चाइनीज एप्लीकेशन। पहले चाइनीज एप्लीकेशन की बात हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां पर जाओ चाइनीज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कैसे यूज करते हैं, कैसे बिना वाटरमार्क के चाइनीज एप्लीकेशन से वीडियो को डाउनलोड किया जाता है, सब कुछ वहां से सीख लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो नीचे दिया हुआ है चैनल का नाम, यानी कि जिस चैनल का ये वीडियो है उस चैनल को इस बंदे ने क्रेडिट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से पहले तो इसके क्या करेंगे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, कोई पैसा नहीं देना है। सिंपल से नाम देख लीजिए, कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ध्यान से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। सिंपल से इमेज पर जाइए और यहाँ पर आप उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिंपल से नीचे आपको चैनल नेम पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और एक ग्राफ आ जाएगा, बस आपको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है एंड चैनल नाम पर टिक पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चैनल नेम कॉपी होके आ जाएगा स्क्रीनशॉट से बाहर निकल कर। सिंपल से चैनल नेम आ गया है, अब इसको कॉपी करेंगे एंड इसी को हम दोबारा यूट्यूब पर सर्च करेंगे। यहाँ पर जाते यूट्यूब पर एंड अब जाते सर्च बार में एंड सिंपल से मैंने इसे सर्च कर दिया यूट्यूब पर, और अब देखिए जो वीडियो उस बंदे ने यूज किया था वो सेम वीडियो हमारे पास आ गया है। और देखिए जो वीडियो उस बंदे ने यूज किया था वो सेम वीडियो हमारे पास आ चुका है। लेकिन आप लोग भाई व्यूज देखिए, इस ओरिजिनल वाले वीडियो पर 15,000 व्यूज है, जबकि उस वीडियो पर कितना था 58 लाख व्यूज। तो आप लोग देख सकते हो भाई सिर्फ सिर्फ वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट आप वीडियो को कितना ज्यादा व्यूज दे सकता है। ठीक है, सेम टू सेम वीडियो देख लीजिए आप लोग, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह की वीडियो है तो आपको इनको लेना कैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं कैसे हमें फेरोसियस फैक्ट की तरह दमदार स्क्रिप्ट लिखना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूं, तो यहां पर आप लोग देखिए सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट बना रखा है और उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखकर भी रखा हुआ है जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो 3 से 5 सेकंड होता है वहां पर क्लिक बेट लाइन का यूज करना है। जैसे कि हम उस पत्ते वाले वीडियो को ले रहे जो कि जापान का था, उसमें क्लिक बेट लाइन का यूज किया गया, तो उसी को मॉडिफाई करके मैंने अपने हिसाब से एक क्लिक बेट लाइन बनाया हुआ है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, जापान के इन निंजा स्टूडेंट से गलती से भी पंगा मत लेना, इससे क्या होगा भाई आपका व्यू रेशियो बढ़ेगा जिससे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा आपका शॉर्ट वीडियो जाएगा। पहला तो ये हो गया एंड आगे आपको सस्पेंस लाइन का यूज करना है। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर हर लाइन में सस्पेंस रखा है। जापान के निंजा स्टूडेंट्स को एक ऐसी खास निंजा ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ये पत्ते को कुछ ही सेकंड में इतनी हाई स्पीड से फेंकते हैं कि सामने रखी हर चीज कट जाती है। और इसके बाद सिंपल से मैंने लाइक सब्सक्राइब के लिए कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हो, और आगे जो चीज बताऊंगा उसे सुनकर तो आप पक्का लाइक और सब्सक्राइब करोगे। इस तरह की लाइन का आप यूज कर सकते हो, आपको वीडियो पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा तो भाई वीडियो वायरल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्क्रिप्ट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कॉपी करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक स्क्रिप्ट मत कर देना भाई बार बार यूज। ठीक है, हर बार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना। सेम टू सेम फेरोसियस फैक्ट की तरह अगर हमें AI वॉइस जनरेट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होगा 11 लैब वेबसाइट, लेकिन उस वेबसाइट पर अभी काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर एक क्लिप को देखोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं ब्रांड ऑफ मिस्ट के
बताता हूँ कैसे आपको वॉइस ओवर जनरेट करना है 11 लैब वेबसाइट से, एंड उसके बाद मैं आपको एडिटिंग का पार्ट भी बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, मैंने अपनी नॉर्मल से स्क्रिप्ट को यहाँ पर लिख लिया है, एंड इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से अपनी मेन स्क्रिप्ट को लिख लिया है। आप देखिए मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया था, इससे आपको अपने स्क्रिप्ट को लिखना था। अब मैंने क्या किया, इसी हिसाब से मैंने अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया है। अब इसे हम सिंपल से क्या करेंगे, इस तरीके से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल से क्रोम ब्राउजर पर आते हैं, एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं 11 लैब वेबसाइट। सिंपल से इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, एंड कैसे वॉइस जनरेट करना है अब आप लोग लाइव प्रूफ देखिएगा। देखिए कुछ सेकंड इंतजार करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर मैं पहले तो ये पुराना वाला टेक्स्ट हटा के यहाँ पर अपना नया स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक चीज़ जरूर से करना है, यहाँ पर देखिए आपको कॉमा ऐड करना होगा हर लाइन के आगे। इससे क्या होगा, एआई वो इस हर वर्ड को क्लियर एंड अच्छे तरीके से बोलेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, जापान के इन निंजा स्टूडेंट से गलती से भी पंगा मत लेना, ठीक है। इसके बाद कॉमा ऐड करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या है, आगे चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जापान के इन स्टूडेंट्स को एक ऐसी खास निंजा ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर एक कॉमा ऐड कर देंगे। ये कॉमा का कितना अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है आप लोग अभी देखिएगा। इसके बाद कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कॉमा ऐड करेंगे, इतनी हाई स्पीड से फेंक देते हैं कि, इसके बाद कॉमा ऐड सामने रखी हर चीज़ कट जाती है, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा ऐड कर देंगे, एंड यहाँ पर देखिए उसे सुनकर तो आप पक्का, ठीक है, यहाँ से लाइक और सब्सक्राइब करके जाओगे करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कॉमेंट करेंगे, ये सिर्फ पत्ते को ही नहीं बल्कि नॉर्मल सी घास को भी इतनी स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है, कोमा। और यहाँ पर भी कर पड़ेगी नहीं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से इधर कर देता हूँ, और बस इतना बहुत है भाई, हमने कर दिया बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर कर देता हूँ, और बस अब मुझे नहीं लगता कहीं करना हो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर कैरेक्टर आप पूछ रहे थे, तो आपको कैरेक्टर पर जाना है, और यहाँ से आपको एलेक्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता, फाइंड मोर वॉइस पर जाइए। इसके बाद सबसे पहले तो कुछ सेकंड इंतजार कीजिए, आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्च पर जाकर यहाँ पर आपको सर्च करना है एलेक्स एक्सप्रेसिव नरेटर, एलेक्स एक्सप्रेसिव इसका नाम है, देखिए आ जाएगा एलेक्स एक्सप्रेसिव नरेटर। पहले वाले को ऐड पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल से इस तरीके से ऐड पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखिए कैरेक्टर आ गया आपको। आप एक बार बैक कर दीजिए, और सिंपल से अब आपको करने का है दोबारा नीचे कैरेक्टर पर क्लिक करना होगा, और एलेक्स को अब आप सिलेक्ट कर लीजिए, आ गया एलेक्स। इसके बाद सिंपल से जनरेट पर क्लिक कीजिए, और क्वालिटी अब आप लोग खुद ही देखिएगा भाई। जापान के इन निंजा स्टूडेंट से गलती से भी पंगा मत लेना। जापान के इन स्टूडेंट्स को एक ऐसी खास निंजा ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें यह किसी भी पत्ते को कुछ ही सेकंड में इतनी हाई स्पीड से फेंक देते हैं कि सामने रखी हर चीज कट जाती है, और आगे जो चीज बताऊंगा उसे सुनकर तो पक्का लाइक और चैनल सब्सक्राइब करोगे। यह सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि नॉर्मल सी घास को भी इतनी स्पीड से फेंकते हैं कि गुब्बारा का बहुत ही भयानक हाल कर देते हैं। लेकिन आपका ड्रीम बाइक या कार कौन सा है कमेंट करके बताएं। देखिए इस तरीके से कितना हाई क्वालिटी वॉइस आया है। सिंपल से इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल से करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड्स पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उस वॉइस के साइड में क्लिक करना है थ्री डॉट, एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको रीनेम पर क्लिक करना है, और इसे कोई नेम दे देना है। इससे क्या होगा, एडिटिंग में आपको इसे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरे नेम को कट कर देता हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 11, एंड इसका कुछ भी लिखता हूँ 11 ईयर्स लिख दिया, ओके कर देते हैं, जिससे आपको नाम याद आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एडिटिंग का काम बताता हूँ बहुत ही आसानी से। सबसे पहले एक वीपीएन ओपन कर लीजिए, कैपकट यूज करेंगे हम एडिटिंग के लिए। तो अब मैं आपको एडिटिंग का पार्ट बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से, इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कैनमस्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, इसे आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिंपल से आपको करने का है प्लस पर जाना है, एंड इसके बाद आपको जाना है 916 के रेशो पर, यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से पहले उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने डाउनलोड किया है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से पहले नंबर हम क्या करेंगे, देखिए इसका ओरिजिनल साउंड को हम क्लिक करके म्यूट कर देंगे। दूसरा नंबर कॉपीराइट से बचने के लिए स्क्रॉल करेंगे, रोटेट पर जाएंगे, मिरर के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें जाना है एडजस्टमेंट पर, और कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है, एंड इसके बाद नीचे जाना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, थोड़ा सा करना है, देखिए ज़्यादा हो गया, बस इतना करने के बाद हाईलाइट को बढ़ा देना है, एंड बस इतना आपको रखना है, एंड बैक आ जाना है। इसके बाद सिंपल से आपको वॉइस ऐड करना है ऑडियो पर जाकर, एंड यहाँ पर आपको एल्बम पर जाकर डाउनलोड पर जाना है, और यहाँ से आपको ई सर्च कर देना है जिस नाम से आपने सेव किया था। जैसे कि देखिए फोन में सर्च करता हूँ ई, एंड इसके बाद मेरे सामने वो वाला वॉइस आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग
अब मैंने अपनी वॉइस को ऐड कर लिया, लेकिन सबसे पहले आप देखिए वॉइस के बीच में कुछ गैप मिलेगा, इसको आपको कट करना है। इसी से आपका चैनल मोनेटाइज होने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए सारे गैप को कट कैसे करते हैं, और कोई भाई मुझसे पूछ रहा था वॉइस को एडिट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए वॉइस में खाली पार्ट है, तो सिंपल से बीच में यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ट्रिम पर जाएंगे और स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से क्या करेंगे, हम इस वॉइस को सरका के आगे कर देंगे। ध्यान रहे जहां पर पहला वॉइस का ऑडियो खत्म हो रहा है, यहां पर देख सकते हो दूसरा वहीं से प्ले होना चाहिए, थोड़ा और आगे कर देंगे। देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं किस तरीके से लगातार बोलेगा एआई वॉइस। ये देखिए स्टूडेंट से गलती से भी पंगा मत लेना, जापान के इंस्टीट्यूट। देखिए इस तरीके से, ठीक है, आगे जाते हैं एंड सेम यहां पर स्प्लिट, एंड इसके बाद ऐसा कुछ इस तरीके से मैं आगे सरका दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेम इस तरीके से आपको अपने हर वॉइस को एडिट करना है, इससे आपको मोनेटाइजेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो फटाक से मैं सारा प्रोसेस कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस वॉइस पर भी क्लिक करके ट्रिम एंड स्प्लिट, एंड फटाक से मैं इन सारे वॉइस को एडिट कर लेता हूँ जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल से क्या किया, अपनी सारी वॉइस को एडिट कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपल से करना क्या होगा, यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो पर जाता हूँ एंड इसको टेलीग्राम पर मैंने आपको काफ़ सारे बैकग्राउंड हैं, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसको यूज कर लेता हूं। एंड इसका जो वॉल्यूम है वो आपको कर लेना है लगभग 10 के आसपास, ठीक है, इतना कर लेना है एंड बैक आ जाना है। इसके बाद स्टार्टिंग का पार्ट को आपको इस तरीके से स्किप कर देना है, ट्रिम कर देना है, एंड इस वॉइस को आपको आगे लेकर आ जाना है सेम इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो। बस आपको वीडियो बनकर रेडी हो गया बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए जापान के इन निंजा स्टूडेंट से गलती से भी पंगा मत लेना, जापान के इन स्टूडेंट्स को एक ऐसी खास निंजा ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें यह किसी भी पत्ते को कुछ ही सेकंड में इतनी हाई स्पीड से फेंक देते हैं कि सामने रखी हर चीज कट जाती है। और आगे जो चीज बताऊंगा उसे सुनकर तो पक्का लाइक और चैनल सब्सक्राइब करोगे। देख सकते हो आप लोग ना सिंपल सा शेयर पर क्लिक करके हाई क्वालिटी में इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश तुरंत से जरूर करूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।